इन्होंने किसके किसको कहा था कि जहां जाना है जाओ शिकायत करो। आज देखेंगे आप सच्चाई किस प्रकार से राशन दुकान संचालक सेंध लगाते हैं, उसके बाद डरते किसी के बाप से नहीं है। गरीब लोगों के राशन पे सेंध लगाया जा रहा है। काटा है डिजिटल काटा, ये राशन दुकान संचालक का है काटा है। इस और देखिए प्राइवेट काटा मंगवाया गया, इस और दिखाइए वो भी जीरो में है, ये भी जो है जीरो में है। जगदलपुर मुख्यालय से छाबर भानपुरी और छाबर भानपुरी से लगभग 12 किलोमीटर अंदर इस वक्त मैं रोतमा गांव में मौजूद हूं। यहां से शिकायत मिली थी कि राशन दुकान संचालक द्वारा लापरवाही की जा रही है। 35 किलो चावल दिया जा रहा है, 1 से 1.5 से 2 किलो का घपला किया जा रहा है। कितनी क्या सच्चाई अब जानेंगे। हमने एक और काटा मंगवा लिया, इधर देखिए इस और जो काटा है डिजिटल काटा, ये राशन दुकान संचालक का है, ये राशन दुकान संचालक का काटा है। इस और देखिए प्राइवेट काटा मंगवाया गया, इस और दिखाइए वो भी जीरो में है, ये भी जो है जीरो में है। सर दिखा दीजिए ये भी जीरो में है। अब इसमें हम ये देखेंगे तोलेंगे इसमें 35 किलो। चलिए भैया इसमें 35 किलो तोलिए तो उसको लाइए ना, उसको लाओ दीदी, वो बोरा उठा के लाइए, लाइए उसको, उस बोरा को उठा के लाइए यहाँ पर लगाइए, ठीक है छोड़ दीजिए। 34,990। अब इसी को उठा के लाओ, इधर लाओ, इसमें लगाओ, छोड़ दीजिए। 34,990 फिर 33,560, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये बड़ा सवालिया निशान है। देखिए इसमें जो है 35 किलो बराबर आ रहा था, इसमें जो है 33,560 आ रहा है। एसडीएम साहब देख लीजिए, आपके द्वारा इंक्वायरी की जा रही है कितना कहाँ घोटाला हुआ है, भरपाई किस प्रकार से किया जा रहा है ये भी आप देख लीजिए। गरीब लोगों के राशन पे सेंध लगाया जा रहा है और आपने जो जांच बिठाई हुई है ना इनके ऊपर, उसकी भरपाई उन लोग यहां से कर रहे हैं 1.5 से 2 किलो प्रति व्यक्ति। कितने राशन कार्ड है आपके गांव में महोदय, आपके गांव में कितने राशन कार्ड धारी है? 658। 358। चलिए ठीक है, लगभग 3.5 क्विंटल 1 किलो हिसाब से अगर लेंगे तो, और 1.5 किलो हिसाब से लीजिए, हिसाब लगा लीजिए 5-6 क्विंटल माल गायब। मुझे एक बात बताइए सर, आखिरकार आपका काटा में जो है बराबर आ रहा है, फिर वो काटा में क्यों गड़बड़ा रहा है? मैं तो उसको नहीं जानता, वो काटा में ऐसा क्यों आ रहा है। तो अच्छा एक बात बताओ, कितने साल से राशन दुकान चला रहे हैं आप? 21 से चला रहे हो, 3 साल हो रहा है। किसने इन्होंने किसके किसको कहा था कि जहां जाना है जाओ शिकायत करो, किसको कहा था? हाँ हम ही लोग के बोले थे। क्या बोले ये क्या बोला था आप लोगों को? कहां जाना है तो जाओ बोल के बोले। अच्छा जहां बताना है बताओ, देख लीजिए एसडीएम साहब पहचान लीजिए, इस प्रकार का खेल चल रहा है। गरीबों के राशन में जो है सेंध मारी जा रही है, आपके सामने है। चलिए एक और प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग, गुड़ का पैकेट कहाँ है, कितना किलो का होता है गुड़ का पैकेट? 1 किलो का होता है गुड़ का पैकेट, देखेंगे हटाइए इसको, एक किलो बराबर है इसमें, और लाइए गुड़ का पैकेट, 1 kg में 10 ग्राम, 1 kg में 10 ग्राम लाइए, और लाइए पैकेट गुड़ की पैकेट लाइए। देखिए ये कहा जा सकता है कि इसमें उसमें गड़बड़ है भैया, गुड़ का पैकेट हमें, आप बोलोगे चावल आपके ऊपर नीचे, गुड़ का पैकेट और लाओ, 5-6 पैकेट और लाओ, लाओ गुड़ का पैकेट और लाइए, उधर से गुड़ का पैकेट लाइए। देखिए प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, इससे ज्यादा सबूत हम आपको दे तो क्या दे, बताइए। प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं फिर भी अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, अब बताइए बस्तर की जनता को जागरूक करने का हम कर भी क्या सकते हैं, खबरें चलाते रहेंगे लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, क्यों नहीं होती ये जाने। और लाइए गुड़ के पैकेट लाइए, 4 गुड़ का पैकेट, 5 यहाँ पर जो है 4 गुड़ का पैकेट है, ठीक है लाइए निकालिए, कोई बड़ी बात नहीं, बाद में भर लेंगे आप लोग, इसको वापस भर लीजिएगा, लाइए। आज देखेंगे आप सच्चाई किस प्रकार से राशन दुकान संचालक सेंध लगाते हैं, उसके बाद डरते किसी के बाप से नहीं है। बताइए अभी हम आपको हिसाब किताब करके बताएंगे, 10 किलो गुड़ में कितना ज्यादा निकलता है, काटा कितना बढ़ के दिखाता है, आप बताइए काटा बढ़ के दिखाएगा तो इसमें से सामान निकालेंगे तो किसका घाटा होगा, कितनी हो गई ये, 2, 2, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 10 और 2 दीजिए, इनको नहीं पता कि हम किस निंजा टेक्निक से पकड़ते हैं भैया, ये लो हो गया 10 किलो गुड़ हमने डाला है, कितना हो गया 10 किलो का हो गया, 10 किलो 320 ग्राम, 320 ग्राम एक्स्ट्रा, ये कहां से आया, कैसा मशीन है ये,
किसने छेड़खानी की इससे। अब इसी 10 पैकेट उधर डालिए, ले जाइए उसमें डालिए। सरकार किसी की भी हो, हम हर बार सरकार पे आरोप लगाते हैं लेकिन गोलमाल करने वाले नीचे बैठे होते हैं जिसका असर सरकार पे पड़ता है। गिनते हुए डालिए, गिन के डालिए, रुकिए। कितना हुआ, कितना हुआ, एक और कहाँ गया, लाइए डालिए। देखिए 9 किलो 900 ग्राम है ये जो पूरा गुड़ है 9 किलो 900 ग्राम का है, और उस काटे में जो है 10 किलो 320-350 ग्राम दिखा रहा है, 450 ग्राम एक्स्ट्रा। कहाँ से लाए हो काटा, एक बार बता दो, कहाँ से लाए हैं? हाँ, दुकान से, दुकान से लाए काटा। चलिए, और इनके काटे में इस प्रकार का काम चल रहा है। महोदय एक बात बताइए, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है 450 ग्राम का? आप बताओगे ना भाई, आपका काटा सही काम क्यों नहीं कर रहा है? आप एक बात बताओ, 1 किलो का पैकेट बताए हम लोग को, गुड़ 1 किलो का आता है, तो आप आपके में 450-450 ग्राम एक्स्ट्रा क्यों बता रहा है गुड़ का? उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहता है गुड़ में, 9 किलो 900 ग्राम उसमें है, इसमें इतना ज्यादा क्यों बता रहा है? फिर उसमें फिर 10 पैकेट है, 10 किलो वाला था उसमें भी, 10 किलो वाला था। हाँ, थोड़ा बहुत आपने कहा ना ऊपर नीचे होता है, तो सब में 10 ग्राम कम कर लो उसमें। आपके में 450 ग्राम कैसे ज्यादा हो गया ये बताओ, पता नहीं है मेरे को। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के ऊपर अभी जांच चल रहा है कि इतना इतना भरपाई करो, इस राशन दुकान का कितना भरपाई का आदेश है? भरपाई तो भी नहीं है, पहले था। कितना था पहले? 7-8 क्विंटल था, मात्र 7-8 क्विंटल। इसकी जानकारी हम विभाग से भी लेंगे, इस राशन दुकान की कितनी कितनी जो है भरपाई करना था इनको। नहीं, भरपाई तो किया है। फिर ये झोल क्यों मार रहे हो? मैं नहीं मार रहा। एक बात बताओ, किसके बोलने पे कर रहे हो ये बता दो? किसी से बोले लेके क्या हो? फिर आप ये बोलते हो कि जाओ जहाँ जाना है जाओ बोलते हो आप? आपको आपको अधिकारी को डर नहीं आपको? नहीं नहीं, मेरा काटा सही है बोला भाई। काटा कैसे सही है, आप साबित हो गया सामने? वो तो मैंने क्या काटा है तो? नहीं, वो काटा कैसे होगा आप मुझे बताओ ना। नहीं तो एक बोल रहे हो, वो काटा कैसा है बोल रहे हो ना? तो आपका 10 किलो गुड़ 10.5 किलो क्यों दिखाता है? क्यों दिखा रहा है? तो मतलब गड़बड़ किसमें है? गड़बड़ इसमें होगा, इसमें होगा ना। तो फिर क्यों उनको बोलते हो कि जाओ कहीं पर जा करो? मेरे लिए तो सही था, 1 किलो वाट को लगाता था, 1 किलो दिखा रहा था इसमें, इसलिए मैं सही है बोला। मैं दूसरे जगह भी बोला भी नहीं। नहीं ठीक है ना, 5-5 किलो का 2 बाट मिल जाएगा, बाट मिलेगा, बाट मिलेगा बड़ा बड़ा। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, बोरा में भी कम रहता है कहीं कहीं, बोरा में कम रहता है। तो बोरा में कम रहता है तो क्या 1.5 किलो इनको राशन कार्ड से मारोगे? 50 किलो 48 किलो का भी रहता है, तो उसका आप भरपाई इनके इनके कार्ड से करोगे? किसके? इनके कार्ड से करोगे? हम तो नहीं करते इसके कार्ड। नहीं, जब मैंने आपसे बोला कि भैया कि इसमें आप 1.5 किलो मार रहे हो, आपने कहा बोरा में कमाता है उसका शिकायत कोई नहीं करता है, सही बात है बोले ऐसा? तो वो आपका काम है उधर शिकायत करना, आपको कम मिल रहा है तो कि लोग जाके बोलेंगे कि भैया हमारा राशन दुकान में कम आ रहा है। गाड़ी वाले क्या बोलते हैं, बाद में ला देंगे बोलते हैं, बाद में नहीं ला देते। तो वो किसकी गलती, इनकी गलती है, जनता की गलती है? गलती तो जनता की नहीं है ना भैया, किराना दुकान वाला चला रहा है, माल लेके उसके यहाँ उतरा है, उसको जो सेठ सामान भेजा है उसको धरेगा ना वो जाके, कि ग्राहक को बोलेगा मेरे को कम माल भेजे हैं? ग्राहक तो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ना। तो बताओ कौन सही है आप, समझ में आ जाएगा। बस्तर के जनता के साथ इस प्रकार का लूट खसोट किया जा रहा है, ये तो देखिए जहां जहां चले जा रहे हैं मामला दिख जा रहा है, जहां नहीं जा रहे वहां का बताइए। बेचारे लोग जो है 35-40 रुपए किलो चावल के लिए दिन दिन भर खड़े होते हैं, इनका हक है, इससे भी आप हाथ साफ करेंगे? नहीं चलेगा। अब आपके ऊपर है, आप छोड़िए ना छोड़िए, है ना, आप छोड़िए ना छोड़िए, जो विधिवत कार्रवाई हो तो होगा ही। आप ये मत सोचिए कि मैं राशन दुकान बंद कर दूंगा, नहीं बांटूंगा, आदमी ऐसा होगा ना तो फिर बोलेगा भैया हम चोरी करने के बाद ना आज से मैं चोरी ही छोड़ दूंगा, मैं उस गली में जाना ही छोड़ दूंगा। भैया जाओ ना जाओ, चोरी तो आपने की है ना। हाँ बताइए, तो आप बंद करूंगा बोलने से नहीं होता है, जवाब तो देना पड़ेगा शासन को, इनको भी जवाब देना पड़ेगा, जनता को भी जवाब देना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं चलता है। किसी के पास भी जाइए, शिकायत कीजिए, नहीं बोलना चाहिए कभी भी। बताइए